हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। उन्नाव से आ रही बड़ी खबर आपको बता दें, उन्नाव में हिंदू युवा वाहिनी के वरिष्ठ नेता के घर में देर रात चोरों ने लाखों के गहने पार कर दिए। चोरों ने उस वक्त घर को निशाना बनाया जब घर में सभी लोग पास की गेस्ट हाउस में परिवार की लड़की की शादी अटेंड करने गए थे। चोरी की इतनी बड़ी वारदात होने से हड़कंप मच गया, वही पुलिस अब चोरों की तलाश में जुट गई है। मिल रही जानकारी के मुताबिक उन्नाव के अचरगंज थाना क्षेत्र के बदरगा के रहने वाले मनीष अवस्थी सम्राट हिंदू युवा वाहिनी के वरिष्ठ नेता हैं। रविवार को मनीष के चाचा की बेटी की शादी पास के ही गेस्ट हाउस आजाद मैरिज लॉन में थी। शाम 7:30 बजे के करीब मनीष अपने पूरे परिवार के साथ घर से महज 500 मीटर दूर स्थित आजाद मैरिज लॉन में शादी में शामिल होने चले गए। इसी बीच चोर ने मनीष के घर को अपना निशाना बनाया। चोर मनीष के घर के मुख्य गेट को तोड़कर अंदर घुसे और घर में रखी अलमारी और बक्से का ताला तोड़कर चोरों ने करीब 218 ग्राम के सोने के गहने, जिनकी कीमत करीब 20 लाख रुपए है, इसके साथ ही चोरों ने 3.5 लाख रुपए नकद भी उड़ा लिए। चोरों ने इस वारदात को 2 घंटे के अंदर अंजाम दिया और पूरा माल लेकर रफु चक्कर हो गए। तो लगभग 7:30 बजे के हम और पूरा परिवार शादी पर जैसे वापस आए, बड़े भाई पहले आ गए, हम 2 मिनट बाद में, तो इन्होंने देखा मेन गेट का दरवाजा टूटा हुआ था, अंदर आए लाकर टूटा हुआ था, अलमारी हमारी वो टूटी हुई थी, हमारा बक्सा टूटा हुआ था। ये हमको फोन किया मनीष जल्दी आओ, घर में चोरी हो गई। हम बाइक से बड़ी स्पीड से आए, लेकिन पूरा सामान बिखरा हुआ था और पूरा माल जिसमें हमारा लगभग 38 ग्राम सोना, हमारा ब्रेसलेट है, हाथ जंजीर है वो, और गिल्ली के अंगूठे, नग्न अंगूठे और भाभी का लगभग 200 ग्राम की समथिंग, तो 190 ग्राम की समथिंग भाभी और लकड़ी का जो भी नहीं था, वो चोरों ने लाकर टूट कर दिया। ये लगभग घटना कितने बजे की थी? घटना 7:30 और 9:45 के बीच में। मनीष ने तुरंत ही चोरी की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर डॉग स्क्वाड के साथ पुलिस टीम पहुंच गई। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि वो जल्द ही चोरों को पकड़ लेंगे। वहीं मनीष अवस्थी ने कहा है कि अगर घटना खुलासा पुलिस जल्द नहीं कर पाती तो वो लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। संवाददाता अजय द्विवेदी की रिपोर्ट, उन्नाव, यूपी।